क्या हाल है दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से वर्चुअल लर्निंग की सीरीज़ में और ट्रिपल सी की कंप्यूटर फंडामेंटल की इस क्लास में। आज हम लेसन 2 शुरू करेंगे मेरे साथ। और आज की इस क्लास में जो टॉपिक हम सीखेंगे, जो थ्योरी हम जानेंगे, वो ये नॉर्मली पिछली क्लास में जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि कंप्यूटर क्या है और ये किस तरह से काम करता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, ये सब आप मोटे तौर पर जान चुके हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हुए जो हमारा अगला स्टेप होना चाहिए इस कोर्स की तरफ, वो ये कि किसी भी कंप्यूटर के अंदर मतलब कंप्यूटर का यूज़ जो है अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर कैसे कैसे होता है। नॉर्मली हम ये तो जान गए कि कंप्यूटर क्या है, कैसा कैसा है, पर अब ये चीज़ कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ है। और हमने एक इसका एडवांटेज पढ़ा था जो था वर्सेटिलिटी, यानी कि ये कहीं भी यूज़ हो सकता है और बहुत सारी जगहों पे यूज़ होता है। तो ऐसे कौन कौन से फील्ड है जहाँ पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं, या जहाँ पर इसके यूज़ करने का कोई मतलब है, या जहाँ पर यूज़ करके आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, एक अचीवमेंट जो है पा सकते हैं एक, तो ये हम पता लगाएंगे कि वो सारी एप्लीकेशंस क्या है जहाँ कंप्यूटर यूज़ होता है। और इसके लिए यहाँ पर आज हम चैप्टर 2 शुरू कर रहे हैं और यहाँ पर ये सारी एक लिस्ट हमें दे रखी है। फॉलोइंग लिस्ट डेमोन्स्ट्रेट वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर यूज टूडेज। एंड ये देखिए, सबसे पहला जो यूज़ है ये है बिजनेस प्रोसेस में, यानी कि अलग अलग तरह के जो बिजनेस प्रोसेस होते हैं उन सब के अंदर जो काम काज देखे जाते हैं, और बहुत सारे काम हैं जहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ होता है। कंप्यूटर हैज़ हाई स्पीड ऑफ कैलकुलेशन, डिलीजियंस, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, वर्सेटिलिटी, विच मेड इट एन इंटरग्रेटेड पार्ट इन ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो खासियत हमने कंप्यूटर के बारे में पढ़ी थी, ये चार पांच तरह की खासियत, ये सारी खासियत जब मिल जाती है तो एक तरीके का इंटरग्रेटेड, यानी कि एक मिला जुला, हम कहते हैं ना जैसे मिली जुली सरकार हो गई, तो ऐसा ही हो गया कि सारा पैकेज मिला जुला कर आपको एक ही पैकेट में मिल गया। तो ये बिजनेस के लिए अच्छी बात है, क्योंकि बिजनेस इन्हीं सब चीजों से तो चलता है कि लगातार काम हो, भरोसे से हो, बढ़िया हो, प्योर हो। तो इन सब जगह में बिजनेस में भी कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज है, तो इज यूज इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि पेरोल कैलकुलेशन, यानी कि अलग अलग लोगों की सैलरी, उनकी अटेंडेंस, अटेंडेंस के हिसाब से सैलरी, उनके लिए बिजनेस का बजट बनाने के लिए क्या क्या सेल हुई, क्या क्या परचेज हुई, इस तरह की रिपोर्ट्स को एनालाइज करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, और पुराने हिसाब से नए साल के रेट तय करने के लिए, और भी दूसरे तरीके का फाइनेंशियल फॉरकास्टिंग। फॉरकास्टिंग मतलब फाइनेंशियल फॉरकास्टिंग मतलब जैसे कि आपके पास मान लीजिए 2010 का रिकॉर्ड है, 11 का, 12 का, 13, 14, 15, 16, ये सारे रिकॉर्ड है, और उस हिसाब से हम मालूम करना चाहते हैं कि 2017 में क्या आ सकता है। तो इस तरह के काम भी कंप्यूटर करता है बिजनेस के अंदर। मैनेजिंग एम्प्लॉय डेटाबेस जो होते हैं उन सबको एम्प्लॉयज के या स्टूडेंट्स के या और भी दूसरे तरह के, मान लीजिए हॉस्पिटल में है तो पेशेंट्स के, अलग अलग तरह के डेटाबेस को हैंडल करने के लिए हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। और जैसे कि अगर आप मॉल की या और दूसरे तरह के इन्वेंट्री सिस्टम में, इन्वेंट्री प्रोसेस की बात करते हैं, तो उसमें स्टॉक आइटम्स पर नज़र रखने के लिए भी हम कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। ये तो हो गई बिजनेस की बात। यहाँ से कंप्यूटर उठ के हम लाते हैं इसको बैंकिंग में। बैंकिंग के अंदर भी कंप्यूटर का अपना ही एक बहुत बड़ा मेजर रोल है। अगर अगर हम आज कंप्यूटर की मान लीजिए यूज छोड़ दें, कंप्यूटर को हम यूज करना छोड़ दें, तो आज के बैंकिंग सिस्टम को आप सपोज भी नहीं कर सकते, इतना ज्यादा मेजर फैक्टर है कंप्यूटर बैंकिंग सिस्टम में। इज ऑलमोस्ट टोटली डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर। टूडेज बैंकिंग सिस्टम इज ऑलमोस्ट टोटली डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर। बैंक प्रोवाइड फॉलोइंग फैसिलिटीज, ये सारी फैसिलिटी है जो बैंक प्रोवाइड करता है और बिना कंप्यूटर्स के पॉसिबल नहीं है। जैसे कि बैंक प्रोवाइड ऑनलाइन अकाउंटिंग फैसिलिटी, आप घर बैठे बैठे अपने अकाउंट्स देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, विदड्रॉ कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, विच इंक्लूड्स करंट बैलेंस, डिपॉजिट, ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट चार्जेस, शेयर्स एंड ट्रस्ट रिकॉर्ड। आजकल सारा का सारा इंटरनेशनल मार्केट ही ऑनलाइन है, ये सब चीज़ें हैं, बैंकिंग ऑनलाइन हो रही है।
एटीएम मशीन्स, ये सारे भी कंप्यूटर की तरह क्या, कंप्यूटर जैसे के ही होते हैं। नॉर्मली हम भी विंडोज 7 XP यूज़ करते हैं, हमारे एटीएम सब में भी यही होता है, ये इसी तरह के कंप्यूटर्स होते हैं। आर मेकिंग इट इवन ईजियर फॉर कस्टमर टू डील विद बैंक्स, जगह जगह पे एटीएम है, सब कंप्यूटर्स की वजह से ही है। बैंकिंग के अंदर भी अगर हम सेगमेंट्स कर दें तो जैसे कि इंश्योरेंस से रिलेटेड काम काज है, कंपनीज आर कीपिंग ऑल रिकॉर्ड अप टू डेट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की मदद से एक एक रिकॉर्ड आज आप करा के जाइए, 30 साल बाद जाइए, आज आप इंश्योरेंस करा के गए, 30 साल बाद कोई और आदमी किसी दूसरी ब्रांच में आप ही का काम हैंडल कर रहा है और सारी डिटेल है उसके पास। आप जब 30 साल पहले इंश्योरेंस कराने आए थे तो कोई और आदमी था, आज आप इंश्योरेंस का क्लेम पूरा पाने आए हैं, आपने सारे प्रीमियम भर दिए, तो आपकी सारी डिटेल है कंप्यूटर के अंदर। तो ये चीज़ है कि सारा का सारा डेटा अप टू डेट रखने के लिए, अपडेट रखने के लिए इंश्योरेंस सिस्टम है, या और भी दूसरे तरह के गोल्ड लोन है, या फिनकॉर्प है, बहुत सारे अलग अलग फाइनेंशियल जो है एडवाइजरी है, वो सब कंप्यूटर सिस्टम का ही यूज़ करते हैं। द इंश्योरेंस कंपनीज, फाइनेंस हाउसेज एंड स्टॉक ब्रोकिंग फॉर्म्स आर वाइडली यूज कंप्यूटर फॉर देयर कंसर्न्स, अपने काम काज के लिए कंप्यूटर का बड़े ही पैमाने पर यूज करते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज आर मेंटेनिंग अ डेटाबेस ऑफ क्लाइंट्स विद इंफॉर्मेशन शोइंग, अलग अलग तरह के लोगों का डेटा इन अलग अलग डिटेल्स के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि प्रोसीजर टू कंटिन्यू विद पॉलिसीज, किसी भी पॉलिसी के लिए क्या क्या प्रोसीजर चाहिए, क्या क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन या रिक्वायरमेंट है, स्टार्टिंग डेट कब थी, प्रीमियम कब आना है, कब जाना है, इंस्टॉलमेंट की डेट आ गई तो यूज़र को नोटिफिकेशन मिल जाए, अपने आप ही कोई उस पर नज़र ना रखे, फिर भी जैसे नॉर्मली होता है आपको कंपनी की तरफ से टाइम टू टाइम मैसेज आते रहते हैं, मैच्योरिटी डेट कब है, इंटरेस्ट ड्यू कितना है, या बेनिफिट बोनस और भी दूसरे तरह की सब चीज़ें अपने आप ही कैलकुलेट कर दिया जाता है कंप्यूटर्स के थ्रू। और एजुकेशन, डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन लर्निंग, या आप जो इस समय भी कर रहे हैं ये आप कंप्यूटर पे ही कर रहे हैं, आप भले ही ये वीडियो कंप्यूटर पे देख रहे हो, लैपटॉप में देख रहे हो, या मोबाइल में देख रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर है क्या, सब कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग है, कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन है, जिसे हम वर्चुअल लर्निंग कहते हैं। भाई कॉपी किताब खोल कर नहीं बैठे, पढ़ाई हो रही है कंप्यूटर की मदद से ही। तो आज के एजुकेशन सिस्टम में भी डिजिटल मीडिया यानी हमारे कंप्यूटर्स का बहुत बड़ा रोल है। द कंप्यूटर हैज़ प्रोवाइड अ लॉट ऑफ फैसिलिटी इन एजुकेशन सिस्टम, द कंप्यूटर प्रोवाइड्स अ टूल इन एजुकेशन सिस्टम नोन एज कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन। CBE इन्वॉल्व्स कंट्रोल डिलीवरी एंड इवोल्यूशन ऑफ लर्निंग, द कंप्यूटर एजुकेशन इज रेपिडली इंक्रीजिंग द ग्राफ ऑफ नंबर ऑफ कंप्यूटर स्टूडेंट। और आज की तारीख में जो कंप्यूटर्स पे पढ़ने वाले स्टूडेंट है, कंप्यूटर से पढ़ने वाले स्टूडेंट है, उनका ग्राफ लगातार बढ़ ही रहा है, और आई थिंक जब तक मैं जिंदा हूँ या आप लोग जिंदा है तब तक ये कभी गिरने नहीं वाला। अगर कंप्यूटर से बड़ी कोई चीज़ आ गई तो शायद गिर जाए, लेकिन जब तक कंप्यूटर है तब तक तो ऐसा ही ये बढ़ता रहेगा। देर आर नंबर्स ऑफ मेथड विच एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कैन यूज कंप्यूटर टू एजुकेट द स्टूडेंट, अलग अलग तरह के, नर्सरी से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट तक हर जगह की लर्निंग में कंप्यूटर्स का यूज़ है। ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स है, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स आप देखते हैं, या प्रेजेंटेशंस होती है, एनिमेटिंग होती है, या फिर और भी दूसरे तरह के जैसे कि एक्स्ट्रा मार्क्स है, या किड्स चॉइस, दूसरे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह की वर्चुअल लर्निंग का यूज़ करते हुए और एजुकेशन को पहुंचा रहे हैं लोगों तक। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर अ डेटाबेस अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट एंड एनालाइज इसे कैरीड आउट फॉर द बेसिस। और नॉर्मली स्कूल्स में भी कंप्यूटर्स का यूज़ होता है बच्चों से रिलेटेड, स्टूडेंट से रिलेटेड डेटाबेस मैनेज करने में और भी दूसरे तरह के काम काज हैंडल करने में, ये इस जगह भी आ गया कंप्यूटर। इसके अलावा मार्केटिंग, आजकल आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स देखते हैं, आपके फ़ोन में एप्लीकेशंस होंगी, या आप सीधे अपने ब्राउज़र से ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे, ऑनलाइन पेमेंट भी करते होंगे। ऑनलाइन ये शब्द कहीं ना कहीं कंप्यूटर की वजह से ही आया है। इससे पहले जब अगर आपको मान लीजिए 10,000 करोड़, बहुत बड़ा नंबर हुआ ये,
लेकिन आज की डेट में ऐसे बहुत सारे शॉपिंग साइट्स हैं जो इतने सारे प्रोडक्ट बेचते हैं, और अगर इतने सारे प्रोडक्ट्स को अगर किसी एक गोडाउन में रखना हो, किसी एक वेयर हाउस में रखना हो, तो सोचिए कितना आपको स्पेस चाहिए। लेकिन वेबसाइट है, कोई स्पेस की ज़रूरत नहीं है। एडवर्टाइजमेंट भी आप सभी के साथ कर सकते हैं, कोई ऐसा कुछ अलग ही है, बिल्कुल वर्चुअल आपके लिए एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया है कंप्यूटर ने। एडवर्टाइजिंग विद कंप्यूटर, एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल क्रिएट आर्ट्स एंड ग्राफिक्स, राइट एंड रिसीव कॉपीज एंड प्रिंट एंड डिसमिनेट एड्स विद गोल ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट। आप बड़े बड़े पोस्टर्स, बैनर, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, वीडियो या एनिमेशन या एनिमेटेड बोर्ड्स होते हैं, ये सब कहीं ना कहीं कंप्यूटर्स के थ्रू ही यूज करते हुए किए जाते हैं। मार्केटिंग है, इन सब में भी कंप्यूटर्स का यूज़ है, या घर बैठकर आप शॉपिंग कर सकते हैं, हैज बीन मेड पॉसिबल थ्रू यूज ऑफ कंप्यूटराइज कैटलॉग्स दैट प्रोवाइड एक्सेस टू प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन एंड परमिट डायरेक्ट एंट्री ऑफ ऑर्डर टू बी फिल्ड बाय द कस्टमर्स। ये सारा इसका बेनिफिट है कि आप घर बैठे बैठे किसी भी तरह का प्रोडक्ट विजिट कर सकते हैं, कोई भी शॉप से आप ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगा सकते हैं, सारे काम आप घर बैठे कर सकते हैं, मार्केटिंग ही है। हेल्थ केयर, आजकल नॉर्मली कंप्यूटर्स का जो है मेडिकल इंडस्ट्री में भी काफ़ी बड़े पैमाने पर यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर हैज़ बीन इम्पोर्टेंट पार्ट इन हॉस्पिटल लैब्स एंड डिस्पेंसरीज। द कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज इन हॉस्पिटल्स टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट एंड मेडिसिन्स, यानी कि अलग अलग बीमारियों में किस तरह से कौन सी मेडिसिन देनी है या कैसा कैसा ट्रीटमेंट करना है। बल्कि कई सारे ट्रीटमेंट तो ऐसे हैं जो मशीनें ही कर देती हैं। असल में मेडिकल साइंस को कंप्यूटर्स ने बहुत आसान कर दिया है। इट इज ऑल्सो यूज इन स्कैनिंग एंड डायग्नोसिंग डिफरेंट डिसीज लाइक ECG, EEG, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन एक्सेट्रा। ये सब आज से अगर हम 20-25 साल पहले की बात करें तो ये सब चीज़ें नहीं होती थी। कंप्यूटर्स की वजह से आज ये सब चीज़ें बहुत आसान है। अगर आपके बॉडी में एक हड्डी टूटती है तो 2 सेकंड के अंदर आप इसका पता लगा सकते हैं। बस आपको एक मशीन के आगे स्कैन करना है और पूरी बॉडी का स्कैन हो जाएगा। सब मेजर फील्ड इन विच कंप्यूटर आर यूज, जैसे कि डायग्नोस सिस्टम में नॉर्मली किसी भी तरीके का आपका ब्लड प्रेशर या शुगर या और भी तरीके का हार्ट वाइटल नापने के लिए बड़ी सारी मशीनें होती थी, लेकिन अब ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अब ये सब चीज़ें बहुत आसान है। ऑल टेस्ट कैन बी डन एंड रिपोर्ट आर प्रिपेयर्ड बाय कंप्यूटर। अलग अलग तरह के जो लैब्स होते हैं उनमें टेस्ट किए जाते हैं कंप्यूटर से ही, और कंप्यूटर से ही रिपोर्ट भी बनाई जाती है। पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, कौन सा पेशेंट, उसको कैसी ज़रूरत है किस समय, इससे रिलेटेड मशीनें हैं। यूज टू चेक पेशेंट साइन और एबनॉर्मलिटी सच एज कार्डियक अरेस्ट, ECG एक्सेट्रा। यानी आपने कई बार हॉस्पिटल्स वगैरह में देखी होंगी अलग अलग तरह की मशीनें होती हैं, और किसी भी पेशेंट की हालत कैसी है, क्रिटिकल है या नॉर्मल है या फाइन है, ठीक ठाक है, ये सब हमें पता चलता रहता है मशीनों की मदद से। और भी दूसरे तरह का कि अगर कोई नया ड्रग्स है या कोई डेट एक्सपायर हो चुकी है, उसको हमें चेक करना है कि क्या इसको खाना ठीक होगा या नहीं, तो ये हमें कंप्यूटर चेक करके बता सकता है। सर्जरी होती है, जैसे कि आजकल आप देखते हैं कई सारे ऐसे ऑपरेशन हैं जो कि डायरेक्ट कंप्यूटराइज ही होते हैं, लेजर से या अल्ट्रावायलेट लाइट से और भी दूसरे तरह से, तो इन सब में भी कंप्यूटर्स का ही यूज है। कंप्यूटर्स ही हैं इन सभी जगहों पे। और इसके साथ साथ इंजीनियरिंग में, नॉर्मली पुराने टाइम की इंजीनियरिंग और आज की इंजीनियरिंग में जमीन आसमान का फर्क है। आजकल कोई भी स्ट्रक्चर सबसे पहले नॉर्मली कागज या इस तरह के प्लास्टिक मॉडल बनाने से बढ़िया मॉडल आप कंप्यूटर में बना सकते हैं। बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स हैं, इन सबको बनाने से पहले कंप्यूटर पे डिज़ाइन किया जाता है। और इनके लिए दो खास तरह के सॉफ्टवेयर्स जो कि इंडस्ट्री में अवेलेबल है। वन ऑफ द मेजर एरिया इज कैड, यानी कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन, दैट प्रोवाइड्स क्रिएटिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ इमेज। सम फील्ड आर जैसे कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग होती है, आपको जिसे हम कहते हैं ढांचे नुमा जो चीज़ें होती हैं उनको बनाना,
रिक्वायर्स स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एनालाइज फॉर डिजाइन ऑफ शिप्स बिल्डिंग बजट्स एयरप्लेन एक्सेट्रा। यानी कि नॉर्मली किसी भी तरीके का, मान लीजिए आप कार बना रहे हैं, तो कार का मॉडल होगा कैसा, उसका फ्रेम कैसा बनाना है, उसमें कौन सा मटेरियल कितना लगना है, प्लास्टिक कितना लगेगा, स्टील कितना लगेगा और कहाँ कहाँ लगेगा, ये सारी चीज़ें आप पहले से ही रेडी करके रख सकते हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में भी कैड का यूज़ है। कंप्यूटर डील्स विद डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इंटरग्रेटेड सिस्टम ऑफ पीपल मटेरियल एंड इक्विपमेंट से। अभी नॉर्मली कुछ कंप्यूटराइज ऐसी मशीनें आती हैं जो फिलिंग से लेकर रैपिंग तक या पैकेजिंग तक सब जगह पे यूज़ होती है। कंप्यूटराइज मशीन प्रोडक्शन से निकलने वाले सामान को तोलती हैं, पैक करती हैं और सही जगह से बैच नंबर लगाकर उसको पहुंचा देती है। तो ये सब चीज़ें जो है कंप्यूटर हैंडल कर सकता है। इंडस्ट्री में भी इनका यूज़ है, साथ ही साथ एग्रीकल्चर, यहाँ तक कि खेती बाड़ी में भी इन सब चीज़ों का यूज़ है। कंप्यूटर हेल्प्स इन प्लानिंग टाउन, डिजाइनिंग बिल्डिंग, डिटरमाइनिंग अ रेंज ऑफ बिल्डिंग ऑन साइट यूजिंग बोथ 2D एंड 3D ड्राइंग्स। अब देखिए, जैसे कि आप मान लीजिए कोई बड़ी सी फर्म लगाना चाहते हैं, तो उसमें कुछ दूर में आप खाली छोटे छोटे पेड़ रखना चाहते हैं, बड़े बड़े पेड़ रखना चाहते हैं, और आप ये पता लगाना चाहते हैं कि भाई अगर हमें थोड़ी दूर में अपने सोलर पैनल्स लगाने हैं तो उसके लिए कौन सी जगह सही होगी, क्या मॉडल होगा। बड़े बड़े लैंड पे आप आर्किटेक्ट जो बनाते हैं, तो वो सब चीज़ें भी हम कर सकते हैं। एग्रीकल्चर हो या आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग हो, सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। बिल्डिंग्स बनाने से पहले उसका डिज़ाइन रेडी होता है, कंप्यूटर्स बनाने से पहले उनके अंदर के मैकेनिकल पार्ट्स की डिज़ाइनिंग सब चीज़ें पॉसिबल है। मतलब ऐसा कोई फील्ड है ही नहीं जहाँ कंप्यूटर ना हो आज की डेट में। यूँ मान लीजिए आपकी सुबह उठने की अलार्म घड़ी से लेकर रात को जो आप न्यूज़ देखते हैं या रात को जो आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका कंप्यूटर से कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर है। और साथ ही साथ अब इसका एक और यूज़ है, तो जैसे कि मान लीजिए मिलिट्री में, ये कुछ खास मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे तो हर जगह है कंप्यूटर, लेकिन ये कुछ खास है जो नॉर्मली अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो आप ये सब डाल सकते हैं। जैसे कि मिलिट्री जिसमें भी इनका यूज़ करती हैं, सेना इनको यूज़ करती है। कंप्यूटर आर लार्जली यूज इन डिफेंस, मॉडर्न टैंक्स, मिसाइल्स, वेपन्स एक्सेट्रा। मिलिट्री ऑल्सो एम्प्लॉय कंप्यूटराइज कंट्रोल सिस्टम सम मिलिट्री एरियाज वेयर अ कंप्यूटर हैज़ बीन आर यूज। जैसे कि मिलिट्री में यूज़ होने पर कंप्यूटर कहाँ का आपको मिल सकता है, तो जैसे कि मिसाइल कंट्रोलिंग। मिसाइल आजकल ऐसी ऐसी बनाई जा रही है जो 5,000, 10,000, 50,000 या पूरी पृथ्वी के किसी भी कोने पर हमला कर सकती है। सैटेलाइट हो गए या और भी दूसरे तरह के वेपन्स की मदद से, इक्विपमेंट्स की मदद से, लेकिन है तो कंप्यूटर से ही ऑपरेटेड। या मिलिट्री कम्युनिकेशन है, जो भी एक मिलिट्री सिस्टम होता है वो दूसरे मिलिट्री सिस्टम की बातें कैप्चर नहीं कर सकता, और कर भी सकता है तो कंप्यूटर की मदद से, नहीं कर सकता है तो जो उनके हैंड रेडियो होते हैं, जो उनके नेटवर्क सिस्टम होते हैं, सारे कंप्यूटर्स के ही थ्रू बनाए जाते हैं। मिलिट्री के ऑपरेशंस प्लानिंग, बॉम्ब डिफ्यूजिंग या बॉम्ब प्लानिंग, कुछ भी है, सब कुछ कंप्यूटर से किया जाता है। स्मार्ट वेपन्स, आज रख दिया और आज से 3 साल बाद जब इंस्ट्रक्शन दी जाएगी तो अपने आप ही फट जाएगा, या जब जरूरत पड़ेगी तो अपने आप ही छूट जाएगा, आप यहाँ से भले ही 1,000 किलोमीटर दूर बैठे हैं। ये सारी चीज़ें मिलिट्री को जो है काफ़ी हेल्प करती हैं, इधर भी कंप्यूटर है। साथ ही साथ एक बहुत ही मेजर फैक्टर जिसको बनाने के पीछे बनाने वाले का शायद यूँ समझ लीजिए इंटेंशन बहुत ही बड़ा, कम्युनिकेशन। यानी कि इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा क्या, रोल ही रोल है, पूरा ही रोल है। देखिए, कम्युनिकेशन मींस टू कन्वे अ मैसेज। ये कम्युनिकेशन का मतलब बता रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह मैसेज को ले जाना। एन आइडिया, अ पिक्चर और स्पीच दैट इज रिसीव एंड अंडरस्टूड क्लियरली एंड करेक्टली बाय द पर्सन फॉर हुम इट इज मीन्ट फॉर। और कोई भी कम्युनिकेशन वो होती है जिसमें एक तरफ से निकली बात दूसरे तरफ वाले आदमी, जिससे उस बात, जिस आदमी से उस बात का मतलब हो,
वहां पहुंच जाए, और मीडियम कुछ भी हो, कोई थॉट हो, कोई पिक्चर हो, कोई स्पीच हो, उसके जरिए पहुंचे, तो ये कम्युनिकेशन होता है। और कंप्यूटर्स का इस तरह की कम्युनिकेशन में कहाँ इस्तेमाल है, तो हमारी डिजिटल रिटन मीडिया में देखिए, हम ईमेल कर सकते हैं तो, या चैटिंग कर सकते हैं, तो इन सब जगह में कम्युनिकेशन यूज़ हो रहा है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, टेलनेट है, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, आप फ़ोन यूज़ करते हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह फाइल ट्रांसफ़र करते हैं, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, सब कंप्यूटर से ही होता है, बिना कंप्यूटर के पॉसिबल ही नहीं है, सोच ही नहीं सकते। और साथ ही साथ अब एक चीज़ जो है वो है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब कि आप ही तक जो यूज़ देख रहे थे वो तो एक आम इंसान के या किसी भी तरीके के ऑर्गेनाइजेशनल था, क्या गवर्नमेंट के किसी काम का है? तो जी बहुत काम का है। आजकल बड़े बड़े बजट बनाए जाते हैं, सेंसेक्स, निफ्टी, शेयर मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, वर्ल्ड स्टॉक, वर्ल्ड बैंक, एक एक चीज़ जो भी गवर्नमेंट जिस पे नज़र रखती है, सब कंप्यूटर से ही चलाए जाते हैं। कंप्यूटर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गवर्नमेंट, सम मेजर फील्ड्स आर बजट, हमारे बजट बनाए जाते हैं, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, हमारी पॉपुलेशन काउंटिंग होती है, या कंप्यूटराइज वोटर लिस्ट होते हैं, सब गवर्नमेंट की ही देखभाल का काम होता है, गवर्नमेंट ही देख रेख करती है, वोटिंग सिस्टम है, सब कंप्यूटर से ही किए जाते हैं। कंप्यूटराइजेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि किस तरह का ड्राइविंग लाइसेंस इशू करना है, कैसा नहीं करना है, किस तरह के गाड़ी का लाइसेंस इशू हो चुका है, किसका नहीं हो चुका है, दोबारा नहीं हो सकता, और भी दूसरे तरह का पैन कार्ड से रिलेटेड कंप्यूटराइजेशन है, या वेदर फॉरकास्टिंग है, मौसम से रिलेटेड जानकारी है, ये सारी लोगों तक पहुंचानी है, उसका पता लगाना है, और भी दूसरे तरह साइंटिफिक रिसर्च है, या और भी दूसरे तरह के जितने भी काम है गवर्नमेंट कर सकती है, सारी जगह पे कंप्यूटर है, आपके ए से लेकर जेड तक, गवर्नमेंट के ए से लेकर जेड तक, कहीं भी कैसा भी। 5 रुपए की आप टिकट लेते हैं एक सिंपल बस में, 5 हजार, 50 हजार, 5 लाख की टिकट लेते हैं आप फ्लाइट के लिए, वहां भी कंप्यूटर है, हर जगह आप देखें तो कंप्यूटर है। बस हमारा ताल्लुक यहाँ पर है उन मेजर फील्ड से जहाँ कंप्यूटर यूज होता है, तो ये वो मेजर फील्ड्स हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आप यही मेजर फील्ड्स बताएंगे। तो ये था दोस्तों आज की हमारी क्लास, सेकंड क्लास की, वो एप्लीकेशंस के बारे में जानना जहाँ कंप्यूटर्स का यूज़ होता है, और किस किस पैमाने पर यूज़ होता है, कैसे कैसे यूज़ होता है। अगली क्लास में हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो होगा कंप्यूटर्स की अलग अलग जनरेशंस के बारे में, कि कंप्यूटर्स की शुरुआत कैसे हुई, कौन सा कंप्यूटर पहले आया, उसके बाद कौन सा कंप्यूटर आया, और कैसे कैसे कंप्यूटर्स की अलग अलग जनरेशन आई है। तो तब तक के लिए आप इस क्लास को एक बार रिपीट करिए, और मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।